हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीता और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थानी दही तड़के की रेसिपी। इसमें हम प्याज और मिर्च डाल के इसका तड़का बनाएंगे, जो दही के साथ मिक्स करेंगे, जिसे आप रायता भी बोल सकते हैं। गर्मियों की सीज़न में सब्जियों की कमी रहती है और सब्जी हमें अच्छी भी नहीं लगती है, तो ऐसे में हम सोचते हैं कि क्या बनाएं, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे आधा किलो ताज़ा दही ले लिया है। आपको जितना बनाना है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ एक कटोरी फ्रेश हरे धनिए, 3 से 4 हरी मिर्च बिल्कुल बारीक कटी हुई और 2 प्याज मीडियम साइज के, इनको भी बारीक काट लिया है। और अभी हमने कढ़ाई में बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, बस इसी चम्मच से मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच राई और चुटकी भर हींग डाल देंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। सारी चीज़ें थोड़ी सी चटक जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बस हल्का सा इसे हमें इसके अंदर भूनना है। प्याज इसमें क्रंची से रहेंगे ना, तब बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। इसके बाद हरी मिर्च भी डाल देते हैं साथ में। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसको आप बना लेंगे ना तो इसमें सब्जी की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। गर्मियों का सीज़न है, सब्जियों की कमी रहती है और ऐसे में हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या बनाएं। तो आप ऐसी रेसिपी चुनिए जो झटपट से बन जाए, खाने में भी टेस्टी लगे। इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे नमक और 1/2 चम्मच से थोड़ा कम डालेंगे हम काला नमक, ये भी अच्छा रहता है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, बस 1/2 चम्मच। इससे क्या होगा, मसाले हैं जो जलेंगे नहीं। ये देखिए, इससे ज़्यादा पानी हमें इसमें नहीं डालना है, बिल्कुल 1/2 चम्मच पानी हमने इसमें डाला है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएगी। बिना पानी डाले हमारे मसाले होते हैं ना थोड़े जल जाते हैं ऐसे, इसलिए हमने मसालों को पकाने के लिए थोड़ा सा पानी डाला है। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें हरे धनिया डाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो ये देखिए, हमारा बहुत ही अच्छा सा चटपटा सा मसाला बन के तैयार है। और ये हमारा दही, दही को हमने पहले अच्छे से फेंट लिया है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस इसमें गांठें नहीं रहनी चाहिए, फेंट लेना है। और इसमें मिला देंगे ये मसाला और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको आप ठंडा ठंडा सर्व कीजिए, रोटी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है, सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और झटपट से बन जाता है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।